सुप्रभात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय डांस कवर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, आप लोगों को कहीं शादी में जाना होगा या आपके घर में शादी होगी तो उसके लिए आपको डांस प्रिपेयर करना होगा, या आपको टेंशन हो रही होगी कि मेरे घर में शादी है और मुझे डांस नहीं आता तो मैं शादी में डांस कैसे करूंगी और एंजॉय कैसे करूंगी। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं संध्या आपकी सिस्टर आपके लिए लेके आई हूँ आज डांस के कुछ ऐसे स्टेप। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें, स्किप ना करें अगर आप डांस सीखना चाहते हैं। और अगर आप डांस सीखने के लिए सीरियस, चाहे आप मेरी या चाहे आप किसी और की वीडियोस को देख के डांस सीख रहे हैं तो उनकी डांस की वीडियो को स्किप ना करें या मेरी डांस की वीडियो को स्किप ना करें। ध्यान से देखें, विस्तार से देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, रिपीटेशन करें, आपको जल्द से जल्द डांस के स्टेप आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आज के डांस के कुछ स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन ठीक से पता होना जरूरी है, हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड कौन सा है, ताकि आप जब डांस सीख रहे हो तो आपको आसानी से समझ आ जाए कि कब आपको राइट हैंड उठाना है या कब आपको लेफ्ट हैंड उठाना है। तो फ्रेंड आइए अब मैं आपको अपने लैग की पोजीशन बताती हूँ, जो सारे डांस के स्टेप्स में सारे हैंड्स के मूव में सेम होगा। तो सबसे पहले आप लैग की पोजीशंस को सीखिए। आप लेफ्ट लेग को भी उठा सकते हैं और राइट लेग को भी उठा सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल आपको, आप उसके अकॉर्डिंग अपने लेग्स को अपने हैंड्स का मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने राइट लेग को उठाना है और आगे और पीछे, और आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे हमें करना है। आज के जितने भी स्टेप मैं आपको बताऊंगी आप फ्रंट में भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में और या तो राइट साइड में भी कर सकते हैं। और इन स्टेप्स की खासियत ये है, इन स्टेप्स को आप राउंड में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले आपको मैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, फ्रंट से आपको लेग की पोजिशन बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेंड्स देखिए हमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। हम इन स्टेप्स को करेंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी कमर को भी चलाना है। अगर हम अपनी कमर का मूव अच्छा रखेंगे, अपने हैंड्स का मूव, अपने लेग का मूव अच्छा रहेंगे तो खुद ब खुद सारे डांस के स्टेप बहुत अच्छे लगेंगे। और आप कहीं भी पार्टी में अगर डांस परफॉर्म करेंगे तो आपको आसानी से डांस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं लेफ्ट साइड से बताती हूँ, लेफ्ट साइड को थोड़ा सा टर्न होना है, हल्का सा टर्न होना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 आई होप आपको लेग पोजीशन अच्छे से समझ आ गई होगी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कहीं हम डांस कर रहे हैं, चाहे हम स्टेज पे कर रहे हैं, वेडिंग्स में कर रहे हैं, डीजे पार्टी कहीं भी कर रहे हैं, तो कई बार हम स्टेप्स को भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो आज मैं स्टेप बताने वाली हूँ 8 स्टेप, वो भी एक लेग पोजिशन में, तो आप इन स्टेप्स को उनके बदले, जो आप स्टेप्स को भूल गए उनके बदले में इन स्टेप्स को, दूसरे स्टेप्स को लगा के अपने डांस को बेहतरीन बना सकते हैं। तो फ्रेंड आइए अब मैं आपको अपना पहला स्टेप बताती हूँ। पहले स्टेप के लिए मैं आपको अपना हैंड मूव बताती हूँ। तो हमारा हैंड वर्क कुछ इस तरह होगा, तो हमें करना है 1 2 फ्रेंड हल्का 1 2 1 2 तो फ्रेंड जब हमारा राइट लेग आगे होगा तो हमें करना है आगे ऊपर की तरफ को, और जब हमारा राइट लेग पीछे होगा तो हमें करना है ऐसे अपने हाथों को पीछे। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार और बताती हूँ। जब हमारा राइट लेग आगे होगा तो हमें करना है हल्का सा ऐसे मारना है, ज्यादा तेज नहीं, हल्का सा टच करके ऊपर, हल्का सा टच करके ऐसे, और जैसे पीछे जाएगा हल्का टच करके पीछे। तो फ्रेंड्स इसी को करना है, जब हमारा राइट लेग आगे जाएगा तो हमारी कमर भी फ्लो में ऐसे 1 2 3 फ्रेंड आपको लेग पोजिशन और हैंड वर्क को साथ में करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आप ही मेरे साथ करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेंड आपने एक चीज का ध्यान रखा होगा, जब मेरे हैंड्स आगे जा रहे हैं तो हमारे जो फेस की पोजीशन है वो भी ऊपर को हो जा रही है,
और जैसे हमारे हैंड पीछे जा रहे हैं तो मेरी फेस की पोजीशन थोड़ा डाउन हो जाए। फ्रेंड्स एक बार और मेरे साथ करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड ये तो था मेरा पहला स्टेप, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा। तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सेकंड स्टेप बताती हूँ। तो सेकंड स्टेप के लिए हमारी लेग की पोजीशन सेम है, आगे करना लेग को और पीछे करना है, आगे करना लेग को और पीछे करना, चाहे आप राइट को करो चाहे आप लेफ्ट को करो। तो सेकंड स्टेप के लिए अब मैं अपने हैंड की पोजीशन बताती हूँ। तो हमारी हैंड की पोजीशन सिंपली हमें करना है, तो फ्रेंड हमारा जब लेग आगे होगा तो हमारे हैंड्स की पोजीशन होगी आगे की तरफ ऐसे, फ्रेंड ऐसे, और पीछे होगा तो ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो एक बार आप मेरे साथ करें। तो इसी स्टेप को हम थोड़ा तेजी से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तो था मेरा सेकंड स्टेप, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप के लिए भी हमारी लेग की पोजीशन सेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सारे स्टेप्स में लेग की पोजीशन सेम है। तो अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड स्टेप के लिए हैंड्स का मूव। तो हैंड्स का मूव हमारा कुछ इस तरह होगा। तो हमें करना है, जब हमारा लेग आगे होगा और कमर बाहर की तरफ होगी तो हमारे हैंड्स का मूव होगा ऐसे, फ्लावर बनाना है फ्रेंड क्रॉस में ऐसे, और जैसे ही हमारा पांव पीछे जाएगा तो हमारे हैंड्स खुल के ऐसे हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस स्टेप को थोड़ा फास्ट करके बताती हूँ। तो हमें इस स्टेप को जब हमारा स्लो सॉन्ग चल रहा होगा तो आप इसे नॉर्मली जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते। तो हमें ताल के अकॉर्डिंग डांस करना है। तो हमें करना है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये तो था मेरा थर्ड स्टेप, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड अगर डांस से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उस डांस के स्टेप को एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं। तो फ्रेंड आइए आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, मैं आपको बताती हूँ अपना फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप के लिए हमारे लेग की पोजीशन सेम है, हैंड्स की पोजीशन बताती हूँ। तो हैंड्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी, हमारा राइट लेग आगे होगा तो हमारी हैंड की पोजीशन होगी पीछे, और जैसे ही हमारा राइट लेग पीछे जाएगा तो हमारी हैंड की पोजीशन हो जाएगी आगे। तो फ्रेंड एक बार मैं आपको हैंडवर्क और फुटवर्क को साथ में करके बताती हूँ तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको राइट साइड से बताती हूँ। तो फ्रेंड हमें करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्रेंड जितने भी स्टेप बता रही हूँ, जब हम अपने डांस का स्टेप एक हाथ से परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे हैंड को हमें रिलैक्स नहीं छोड़ना है, उसे हमें या तो हम कमर पे रख सकते हैं या तो हमें उससे कुछ मूव करना है, पर उसको ऐसे करके और हम इसी से करेंगे तो फ्रेंड वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आइए आप भी मेरे साथ कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो था मेरा फोर्थ स्टेप, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना लास्ट एंड फाइनल स्टेप। तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप के लिए लेग की पोजीशन सेम है, हैंड्स का मूव बताती हूँ। तो हैंड्स का मूव कुछ इस तरह। तो फ्रेंड्स सिंपली हमें करना है अपने लेफ्ट हैंड को हमें रखना है ऐसे करके शोल्डर्स में, और जो हमारा हैंड है उससे हम अपना लहंगा पहना होगा या साड़ी पहनी होगी उससे हम करेंगे। जैसे हमारा राइट लेग आगे होगा, 1, 2, 3 डांस के स्टेप सारे क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड इन डांस के स्टेप को आप कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग में। आपको ध्यान रखना है डांस में कि किस तरह की बीट चल रही है, कि बीट थोड़ा फास्ट है या स्लो है, म्यूजिक उसके अकॉर्डिंग आपको इन स्टेप्स को फास्ट या स्लो करना है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं सारे डांस के स्टेप को रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपके सारे डांस के स्टेप क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स लेट्स गो। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्द से कर लें ताकि आपके पास मेरे डांस ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज के डांस के स्टेप बहुत पसंद आए होंगे और बहुत इजी स्टेप्स थे, बिगनर्स हैं तो आप इन सबको आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डांस ट्यूटोरियल में। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।